नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, यहाँ पे रेलवे की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा जो अपडेट निकल के आ रहा है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 432 पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिस निकाला गया है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है या फिर इसका क्या एज लिमिट है या फिर आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके हम जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं सभी तक जानकारी पहुंच सके। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि क्या यहाँ पे नोटिस निकाला गया है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल कार्यालय कार्मिक विभाग बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर के द्वारा जो है यहाँ पे ये नोटिस निकाला गया है। अगर यहाँ पे विषय देखें तो यहाँ पे देखिए विषय लिखा गया है वर्ष 2018 से 19 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस का चयन। और यहाँ पे दिनांक अगर देखें तो 28/6 यानी कि 28 जून को ये नोटिस निकाला गया है। तो यहाँ पे देखें तो अप्रेंटिस का जो भी यहाँ पे बेच है 18 से 19 जो है उसके लिए यहाँ पे ये नोटिस निकाला गया है। और यहाँ पे नीचे देखें तो लिखा गया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामी ट्रेंडों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन के लिए बिलासपुर मंडल हेतु पात्र उम्मीदवारों से www.apprenticeship.gov.in वेबसाइट पर दिनांक 1/7/2018 से 31/7/2018 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है किस ट्रेड में कितने पोस्ट हैं और किस कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कितने पोस्ट दिए गए हैं, तो वो हर एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो कोपा के लिए स्टेनोग्राफर अंग्रेजी या हिंदी, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो भी यहाँ पे मोटर व्हील है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे ट्रेड है। अगर टोटल देखें तो यहाँ पे 21 ट्रेड है, तो 21 ट्रेड के अंदर टोटल जो है 432 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो भी नोटिस है वो यहाँ पे निकाला गया है। और यहाँ पे अगर इसका शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखें अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं यानी कि मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10th पास हैं और 10+2 किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। और नीचे फिर लिखा गया है अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं इसमें से अगर आप किसी ट्रेड से अगर आप ITI किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। यानी कि अगर आप 10th पास हैं और अगर आप 12th भी पास हैं और आपने ITI किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं और आप रेलवे से जो है अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो टोटल अगर यहाँ पे देखें तो 432 पदों के लिए यहाँ पे नोटिस निकाला गया है। अगर यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2018 तक जो है 15 साल से आपका एज ज़्यादा होना चाहिए और जो यहाँ पे मैक्सिमम जो एज है वो 24 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। यानी कि मिनिमम जो एज है वो 15 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो है 24 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। यानी कि 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप ST SC या फिर OBC कैंडिडेट हैं या फिर अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है तो वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखें जो भी आपका 10th में मार्क्स है यानी कि न्यूनतम आपका मैट्रिक में जो है 50% अंक जो होना आवश्यक है और जो भी आपका ITI में मार्क्स है तो उसके आधार पे आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ लगेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और फिर अगर नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको यहाँ पे आवेदन करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे हम बता दें कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 31 जुलाई के शाम 6 बजे तक आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखें नीचे यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है कि यहाँ पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं और फिर यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा या फिर किस तरह से आपको आवेदन करना है तो वो हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, आप इस फॉर्म को भरने से पहले जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस फॉर्म को लेके आप उसे पहले अच्छे तरीके से जरूर देख लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को यहाँ पे भरें। और फिर यहाँ पे अगर आपको कोई परेशानी आता है फॉर्म भरने में तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, तो इस फोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई परेशानी होती है फॉर्म भरने में तो। और यहाँ पे अगर नीचे देखें तो यही सेम चीज़ यहाँ पे देखें इंग्लिश में भी नीचे यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इस नोटिस को यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए पूरा हर एक चीज़ जो है जो भी हिंदी में ऊपर दिया गया था वही सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बड़ा यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रहा था, अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे से तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, आगे यहाँ पे कोई और अपडेट आता है रेलवे से वैकेंसी को लेकर या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर तो आपको यहाँ पे इसी तरह से वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो सर बनाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक कर
कर दें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे भी क्लिक कर दें, तो उससे हमारा आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं सभी तक यह जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।